हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज एयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी न्यू पोम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर ठीक है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई आंट जेनिफ़र हैं जिन्होंने टाइगर्स पाल रखे हैं और उनके बारे में पोम है नहीं ऐसा नहीं है हाँ ये पोम जरूर टाइगर्स के बारे में है लेकिन नॉट रियल टाइगर्स और जो आंट जेनिफर्स टाइगर यहाँ बोला गया है तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने जो है कोई कपड़ा है उस पर जो है क्या करा है कढ़ाई कहते हैं ना एम्ब्रॉयडरी करी है टाइगर्स की जिसकी वजह से इस पोम का नाम क्या है आंट जेनिफर्स टाइगर जो हम अभी जानेंगे पहले इसकी जो पोइट है उनका नाम क्या है एड्रियन रिच ठीक है एड्रियन रिच ज़्यादातर जो है ऐसी पोम्स लिखती हैं जो फीमेल आ, आ, उसके बारे में होती है न आ, और फीमेल्स के बारे में होती हैं मोस्टली या फिर नेचर रिलेटेड होती हैं तो यहाँ पे ऐसी एक पोम है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छोटे से पोम है देखो आंट जेनिफर टाइगर्स अर्ल्ड ऑफ ग्रीन डू नॉट दे पेस इन स्लीक ठीक है यहाँ पे बात हो रही है जो टाइगर हैं वो जो है काफी ऐसे प्रांस कर रहे हैं प्रांसिंग करना ऐसे टहल रहे हैं ब्राइट टोपास वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ब्राइट ब्राइट है ऐसा एक सुनहरे कलर का हम बोल सकते हैं पत्थर होता है है ना तो उस तरीके के क्या है डेनाइजन्स हैं और डेनाइजन्स किसके ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब रहने वाले कहाँ ग्रीन दुनिया के मतलब जंगल के They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek shivalik certainty. ठीक है उन्हें जो है किसी इंसान से डर नहीं लगता वो अपने मतलब है ना मतलब डरते नहीं हैं किसी से और अपने गुरूर में ही रहते हैं और बिना डरे जो है फ्रीली घूमते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हूल फाइन टीव इन द आईवरी पुल अब आंट जेनिफर जो है वो काफी बूढ़ी भी हैं और उनको जो है उनकी जो फिंगर्स uh, हैं वो क्या हो रही है काफी मतलब ऐसे दूध रहे हैं उनके हाथ और जो निडल है जो सुई है वो भी मुश्किल हो रही है निकालनी द मास्ट इफ वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन आंस जेनिफर्स हैंड तो यहाँ पे क्या बात है अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया एड जो है वो ज्यादातर फीमेल्स के लिए पोम लिखती है है ना तो यहाँ पे वही इमोशंस हैं कि वेडिंग बैंड जो है काफ़ी हैवी है जो अंकल ने जो शादी की अंगूठी बनाई होगी ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनसे एक निडल भी नहीं हिल रही है इतना भार है तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भाई जो अंकल हैं वो कैसे हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के थे जिन्होंने हमेशा आंट जेनिफर को दबा कर रखा उनकी सारी फीलिंग्स को दबा कर रखा है ना तो इस तरीके से जो है काफ़ी वेट है उस वेडिंग बैंड का जिसकी वजह से वो एक सुई भी नहीं ढंग से निकाल पा रही हैं When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. टाइगर so, दी गई है आंट थी वो हमेशा चाहती थी कि भाई वो खुली रहें और एक मतलब फ्रीडम फील करें लेकिन अंकल जो थे वो काफी डोमिनेटिंग थे और हो सकता है कि उनके साथ काफी गंदा व्यवहार करते हों जिसकी वजह से वो अपनी सारी जो फीलिंग्स है वो दबा कर रखती थी और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि उन्होंने टाइगर शायद इसीलिए एम्ब्रॉयडरी की है क्योंकि जैसे टाइगर्स क्या होते हैं वो किसी से नहीं डरते खुले रहते हैं उनको फ्रीडम पता है कि फ्रीडम क्या होती है है ना वैसा ही आंट जो है वो चाहती थी कि उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको वो भी ऐसे ही रहें वो खुद भी ऐसे ही रहें इसलिए शायद उन्होंने टाइगर की ही एम्ब्रॉयडरी की थी ठीक है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भई ना क्योंकि जो है वो मर जाए आंट मर जाएंगी तब भी उनकी जो है वो रिंग हमेशा यही चीज़ बताएगी कि हाँ वो अंकल की वाइफ थी और जो भी उन्होंने जो भी हुआ होगा है ना जो भी उनका पास था लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं वो हमेशा ही जो है खुले रहेंगे बिना किसी डरे रहेंगे ठीक है इस तरीके की पोम है अब इसके समरी देखो द पोम दर्ट जेनिफर बाय एड्रियन रिच इन दिस पोम शी इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी हुम शी एड्रेस एज आंट जेनिफो ठीक है तो ये जो पोम है ये एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है और इस पोम में वो एक लेडी के बारे में बात कर रही हैं जिनका नाम क्या है आंट जेनिफो She is embroidering a piece of cloth. The pattern shows tiger who are moving and jumping around all over the फैब्रिक ठीक है अब वो जो है एक किसी क्लोथ पे कपड़े पे जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और उस पर उन्होंने टाइगर्स बनाए जो इधर उधर कूद रहे हैं पूरे फैब्रिक पे दे आर ब्राइट येलो इन कलर लाइक द कलर ऑफ द चौपास स्टोन ठीक है यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है है ना कि भाई जो है मतलब ऐसे उनका कलर बताया गया टाइगर्स कैसे येलो कलर के होते हैं उनको किससे कंपेयर करा गया है जो जो टोपाज स्टोन है 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 उससे। इन डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक तो उन्होंने कैसे बनाया कि भाई हरे भरे जंगल में वो जो है आराम से घूम रहे हैं बिना किसी डर के अब यहाँ देखो दोनों के बीच एक डिफरेंस है द टाइगर्स आर फियरलेस बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉइडरिंग दैम इज नॉट अब जो टाइगर्स है वो किसी से नहीं डरते लेकिन जो लेडी है ना वो ऐसी नहीं है फियरलेस नहीं है द टाइगर लुक एलिगेंट शाइनिंग एंड फुल ऑफ द जेंटल मैन ग्रेस द लेडीज फिंगर्स आर ट्रेवलिंग विद द फियर ऑफ अर हस्बैंड हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल हर लाइफ है ना अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या जो टाइगर है वो फियरलेस है वो किसी से नहीं डरते लेकिन जो आंट जेनिफर है वो हमेशा ही अपने हस्बैंड से डर कर रहीं हैं और इसीलिए उनकी फिंगर्स भी काप रही हैं उनके हस्बैंड के डर की वजह से और उनकी जो फिंगर्स हैं वो इतना थक गई हैं सारे कामों से कि अब उनसे एक निडल भी नहीं निकल रहा है बैंड वॉज बॉट बाय हजब इन हिज इट्स इज हिज टिल टूडे ठीक है तो यहाँ जो अंकल्स वेडिंग बैंड बोला गया है वो अभी भी उनका ही है है ना यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई वो अभी भी जो हैं उनसे मैरिड हैं। और अभी भी जो है वो अंकल की प्रॉपर्टी है क्योंकि अंकल काफी डोमिनेटिंग है शी इज स्टिल बर्डन बाय द वेट ऑफ द रिंग वेट मींस द और टैप मीन्स दैट हैज फॉलन अपॉन हर बायिंग मैरिड टू हिम शी हैज बीन बर्डन बाय द ऑब्लीगेशन ऑफ मैरिड लाइफ हैज बिकम द मैं प्रॉपर्टी तो यहाँ पे जो वेट है वो यही बता रहा है कि भाई वो कैसे फंस कर रह गई हैं इस भार के नीचे जब उन्होंने उनसे शादी करी थी और जो भी उनकी जो भी मैरिड लाइफ की ऑब्लिगेशन हैं वो सारी चीजें उन पर एक बर्डन बना रही हैं और वो क्या है उस आदमी की प्रॉपर्टी थी शी वॉन्ट टू लिव एज फ्री एज इंडिकेटेड बाई हर चॉइस ऑफ डिजाइनिंग टाइगर्स इट शोज अ डिजायर ऑफ बींग स्ट्रॉग फियरलेस विच हैजीन ओवर पावर्ड बाई हर हजब बट बट स्टिल इवन आफ्टर डेथ द रिंग शेल रिमेन ऑन अर हैंड दैट इज हर हजब रूल ओवर हर इज नॉट येट ओवर remain डेथ हर डिजायर फ्रीडम एंड she रिमेन अलाइव इन है? लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने देखा वो इसलिए draw कर रही हैं क्योंकि वो उनकी इच्छा थी उनकी चीज दिखाता है कि वो इस तरीके से जीना चाहती थी लेकिन वो नहीं जी पाई और अब वो मर भी जाएंगे तो भी वो अंकल की प्रॉपर्टी है और तो भी जो है वो वही रहेगा कि हाँ भाई अंकल ही उन पर अभी भी रूल कर रहे हैं ठीक है इसके वर्ड भी नहीं देखो प्रांस उछल कूद करना घूमना टोपास पीले रंग का एक पत्थर होता है रत्न होता है डेनाइजन निवासी बिनीत नीचे पेस चाल स्लीक सज्जन शिवरलेख शिष्टता फ्लटरिंग फहराना कोई चीज है ना हार्ड कठिन वेडिंग बैंड शादी की अंगूठी टेरिफाइड भयाकूल ऑडिल्स परख मास्टर वाइड मतलब उसमें महारत हासिल हुई हो ना ऐसे ठीक है क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो इसकी जल्दी से हाउ टू डेनाइजेंस एंड शिवरलेक एट टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दाइगर्स एटीट्यूड है ना अब यहाँ पे जो दो वर्ड यूज हुए थे डेनाइजेंस और शिवरलेक वो कैसे बता रहे हैं हमें की भाई टाइगर का जो बिहेवियर वो कैसे ये दो वर्ड बता रहे हैं द टाइगर वो निवासी है जंगल के दिल फार अवे फ्रॉमन सेटलमेंट देर कॉल्ड शिवरलिक दिस इंडिकेट द मेजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजिशन दैट देस है ना अब शिवरलिक क्या है, कि भाई वो जो है, देखो, tigers जो है ना हमेशा कहा जाता है कि काफी प्राउड एनिमल्स है. है ना तो यहाँ पे वही बात हुई है है ना तो जो वर्ड है यहाँ पे डेनाइजर ऑफ शिवरलेक वो आराम से यहाँ पे हमारे अंडरस्टैंडिंग में शामिल हो जाते हैं Why why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? In the the second stanza, why is she finding the needle too hard to pull? So hard to to pull? pull, So आप तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि उनके जो हैंड्स हैं वो कांप रहे हैं है ना और क्यों जो है तुम्हें लगता है कि जो सुई है वो इतनी मुश्किल थी निकलनी Aunt Jennifer is weaving the tigers on a panel with her hands moving about the wool. She is finding it difficult to pull the needle. ठीक okay, है आप वो जो है embroidery कर रही हैं और जो है काफी थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए वो needle को बार-बार निकालना. The heaviness of years of married life is lying on her hand, which makes it hard to pull the needle. अब जो weight है उनकी शादी का जिस तरीके से मतलब है ना जो भी उसमें जो भी उनके साथ हुआ होगा वो चीजों का जो वेट है वो इतना ज्यादा है कि उनसे वो निडल भी नहीं निकल पा रही है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज massive weight of uncle's wedding band ठीक है इस चीज से क्या इमेज निकल कर आ रही है जो इतना वेट है अंकल की वेडिंग रिंग का हालांकि अगर देखा जाए तो कोई वेट नहीं होता रिंग का ना तो यहाँ पे जो मासिव वेट बोला जा रहा है ये क्यों बोला जा रहा है द massive वेट ऑफ अंकलस वेडिंग बैंड सजेस्ट सिंबोलिकली ट द बाइंडिंग एंड ऑब्लीगेशन ऑफ अ मैरिज आर सो मच दैट दे है लॉट ऑफ बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन ठीक है यहाँ पे माँ से वेट यह बता रहा है कि भाई उनकी जो शादी थी उसमें काफी बर्डन था मतलब उन्हें जिस तरीके से रखा जाता था उन्हें जो भी चीज़ें बोलते थे कि भाई इस चीज को इस तरीके से तुम्हें पालन करना ही है इस बात का वो सब काफी जो उनके ऊपर बर्डन और स्ट्रेस बनाता था इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ और जो वेडिंग बैंड है वो क्या शो करता है वो यही बताता है कि भाई जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है मतलब अगर आप जब आंट मरेंगी भी तो उनके हाथ में वो अंगूठी रहेगी और तब भी वो अंकल की ही प्रॉपर्टी कहलाएंगी ठीक है ऑफ वॉट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन दर्डा ठीक है अब जो हमने देखा कि आंट जेनिफर जो है उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं तो वो किस वजह से टेरिफाइड है किससे डर रही हैं या कौन है जिससे वो डरती हैं वो बताना है तुम्हें तो शी इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड वो अपने पति से बहुत डरती हैं द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड ठीक है अब भले ही उनके हस्बैंड ना रहे हों लेकिन वो जो सारी उनकी जो पुरानी मेमोरीज हैं जिसमें उन्हें जितना भी दुख मिला है वो अभी भी उनके माइंड में उतनी ही फ्रेश हैं शी लिव्स हर लाइफ अंडर द कॉन्स्टेंट वेट वेट ऑफ अ मैरिड लेडीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अभी भी अपनी लाइफ कैसे जी रही हैं कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो भी चीज़ें हैं वो अभी भी वो चीज़ महसूस करती हैं द इमेज ऑफ़ द वेडिंग रिंग विच वॉज टेकन आफ्टर हर डेथ रिवील्स दैट देयर वॉज नो वे आउट ऑफ अ मैरिज रूल्स एंड दैट शी हैड टू सबमिट टू दैम तो यहाँ पे वही बात है कि भाई तुम तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी तो भी तुम इससे बच नहीं सकती बच के निकल नहीं सकते हो तुम्हें इसके आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा वॉट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय वाई इट इज इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूज इज द वर्ड रिंग्ड वॉट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोम ठीक है अब यहाँ पे भाई क्या क्या ऑडियल्स थे क्या क्या चीजें थी जो आंट जेनिफर जिससे घिरी हुई थी है ना और रिंग्ड वर्ड क्यों यूज किया गया है क्या महत्वपूर्ण था उसकी वो बतानी है ओबेइंग हर हजबेंड ऑर्डर्स फियर ऑफ मैन गिविंग इन टू हिज डोमिन फुलफिलिंग इज कमांड्स तो ऑडियल्स क्या क्या हैं अपने हस्बैंड की हर बात मानना है ना उनका डर रखना और जो भी मतलब वो जो भी डॉम जो भी मतलब दबाव बना रहे हैं या जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उसे पूरा करना ठीक है हेयर रिंग इज अ सिंबॉलिक सिंबल ऑफ द सेक्रेट बॉन्ड ऑफ मैरिज द अदर इज द फिगरेटिव यूज ऑफ सराउंडेड, ठीक है आप जो रिंग है ना रिंग का मतलब क्या होता है भाई कि जो बॉन्ड है मैरिज जो शादी का जो रिश्ता है वो लेकिन यहाँ पे जो रिंगड बोला गया है ना वो यहाँ पे फिगरेटिव यूज किया गया है कि वो उसके अंदर घिर रह गई है उसके अंदर फंस रह गई है घेरे के अंदर ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से बात हुई है क्लियर क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने टाइगर्स ही क्यों ड्रॉ किए जो बिल्कुल भी उनके कैरेक्टर्स से मैच ही नहीं करता था है ना वॉट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस तो जो पोएट है वो इस बात से क्या बता रही है क्या सजेस्ट करना चाह रही है वो बताना है ठीक है द द टाइगर्स आर प्रांसिंग दे 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 पेस इन हैव डू नॉट मैन बीनीथ दे आर सिम्बल ऑफ स्ट्रेंथ फ्यसनेस एंड ब्यूटी अब जो टाइगर हैं वो उछल रहे हैं कूद रहे हैं उन्हें किसी से डर नहीं है है ना अपने प्राउड स्पेस में है वो मतलब प्राउड फील करते हैं वो और किसी से नहीं डरते कोई इंसान हो कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई टाइगर जो है वो किस इसका सिंबल है स्ट्रेंथ का पावर का है ना डर दर, डरते नहीं है वो फियरसनेस का और ब्यूटी का सिंबल है आंट जेनिफर ऑन अदर हैंड इज वीक एंड टेरिफाइड हर हैंड्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल थ्रू हर वूल ठीक है आप अगर हम दूसरी तरफ आंट जेनिफर की बात करें तो वो काफी डरी हुई है है ना और उनसे जो है वो वूल में से एक सुई भी नहीं निकल पा रही है थ्रू दिस डिफरेंस इट इज शोन दैट द लेडी इज नॉट व्हाट शी इज वरना उनकी जो दिल की इच्छा वो है वो यही है वो भी जो है सम्मान, सम्मान के साथ एक प्राइड के साथ अपनी लाइफ जिए इंटरप्रीट द सिम्बल्स फाउंड पोम में जो जो सिम्बल्स यूज हुए उनको इंटरप्रिट करना है एड्रियन रिच इज एंड जेनिफर टाइगर सिंबोलिज्म काफी सारे सिम्बल्स इसमें जैसे कि द मासिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड सिम्बोलाइज ऑडिल्स हार्डशिप एंड वरीज ऑफ मैरिड लाइफ तो uncle wedding, wedding band, जो उसका क्या मतलब है कि भाई जो जो उन्हें करना पड़ता था उस शादी में जो भी मुश्किलें थी उस शादी में वो बात है टेरिफाइड हैंड्स टेरिफाइड हैंड्स एंड रिंगड विद ऑडियल्स ये चीज क्या इंडिकेट करती हैं दोज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट आर स्टिल क्लिंगिंग टू आंट जेनिफॉर फिजिकली एंड मेंटली ठीक है Jennifer, जो भी उनके साथ जो भी दुख दर्द पीड़ा वाले इंसिडेंट्स हुए होंगे वो आज भी उनके माइंड में उतने ही फ्रेश हैं जो अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़े तो जो पूरी पोम ये काफी ज़्यादा सिम्बॉलिक है sympathize, sympathize ठीक है, क्या आप जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और जो Aunt जेनिफर जो स्पीकर है जो पोएट है क्या वो भी सिंपेथिक रखते हैं या उनका क्या एटीट्यूड है स्पीकर इज ऑल्सो सिंपथेटिक टूवर्ड्स डॉमिनेटिंग मैन ठीक है आप भाई आपको भी सहानुभूति है और जो स्पीकर है उनको भी है है ना द पोइट गिव्स मेनी सजेस्टिव इमेजेस एंड सिम्बल्स टू प्रेजेंट एन ओल्ड लेडी हु एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिस एज वेल एज अनप्लेजेंट एंड टेरिफाइंग पीरियड जूरिंग हर मेरिड लाइफ तो यहाँ पे यही दिखता है हमें कि जो स्पीकर है उन्हें पसंद ही नहीं है डोमिनेटिंग मैन है ना और वो ये यहाँ पे काफ़ी सारे उन्हें ऐसे सजेस्टिव इमेजेस दी हैं है ना जो दिखा रहे हैं कि भाई कितना पेनफुल एक्सपीरियंस था उस ओल्ड लेडी के लिए जो वो अभी भी डर में है ठीक है इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है तो इसी के साथ ये छोटी सी पोम थी जो काफी अच्छा एक मतलब आपको मैसेज देती है कि कोई जरूरत नहीं है किसी को भी किसी के ऊपर डोमिनेट होने की आप जब एक शादी के रिश्ते में हो तो आप दोनों इक्वल हो है ना दोनों के इक्वल राइट्स हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से पोम थी इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स बस इतने ही हैं तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे